हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आप देख रहे हैं बीइंग लीगल। तो आज मैं आप लोगों को ADR के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम भी कह सकते हैं एप्रोप्रिएट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर ले आगे के लेटेस्ट वीडियोज देखने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि कोर्ट का बर्डन कम किया जा सके। अब कोर्ट का बर्डन कैसे कम होगा इससे, तो ये आगे हम जानेंगे। इसमें ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का अल्टरनेट तरीका है। इसके अंदर काफी सारे प्रोसेसेस भी आते हैं, जैसे आर्बिट्रेशन हो गया, मीडिएशन, नेगोशिएशन, ये सारे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंडर ही आते हैं। ADR नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसीजर को फॉलो करता है। नॉन एडजुडिकेटरी का मतलब हो गया जिसमें जुडिशरी का रोल ना हो। जुडिशरी का रोल होता है इनडायरेक्ट वे में, आप कह सकते हैं। जैसे जुडिशरी रिफर कर सकती है आपको मीडिएशन के लिए या आर्बिट्रेशन के लिए, कंसिलिएशन या नेगोशिएशन के लिए रिफर कर सकती है जुडिशरी, लेकिन इसमें जुडिशरी पार्ट नहीं लेती है। जो भी प्रोसेस है उसमें जुडिशरी पार्ट नहीं लेती है। तो इसके क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लॉयर्स की जरूरत नहीं होती। ADR प्रोसेस में लॉयर्स की जरूरत नहीं होती, आप खुद से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप चाहे तो लॉयर्स आर ऑप्शनल, अगर आप चाहे खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉयर्स लेना चाहते हो, एडवोकेट लेना चाहते हो, तो वो आप ले सकते हो अपने साथ में। यह जो प्रोसेस है ये सारा कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव। कोऑपरेटिव प्रोसेस मतलब दोनों आपस में जो भी पार्टीज होती है वो आपस में कोऑपरेटिव होती हैं, और लेस कॉम्पिटिटिव मतलब कोई भी नहीं चाहती है कि एक दूसरे को हरा दिया जाए। मतलब इस सिचुएशन में, ADR प्रोसेस में विन विन सिचुएशन आते हैं, मतलब दोनों पार्टीज जीतती हैं, दोनों पार्टीज सेटिस्फाई होती है, जो लास्ट में ओवरकम आता है। अगर आप जुडिशियल प्रोसीडिंग देखें तो उसमें यह देखा जाता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई एक पार्टी जीतता है, कोई एक पार्टी हार जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है इस प्रोसेस में। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ ADR के ऑब्जेक्टिव है, बेनिफिट्स है, वो हम जानते हैं क्या है। पहला तो ये है कि ये लेस एक्सपेंसिव है, मतलब इसमें आपको कॉस्ट काफी कम आएगा। जैसे कि देखा जाता है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में कई दिनों तक आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, लॉयर्स को हैवी अमाउंट फी पे करना होता है, तो इन सब में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नॉमिनल चार्जेस होते हैं, जो मीडिएटर हो गए, आर्बिट्रेटर हो गए, उनके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ये सारे एज पर एग्रीमेंट होते हैं। तो पहला हमारा हो गया लेस एक्सपेंसिव, दूसरा है हमारा नो डीले। नो डीले का मतलब है कि इसमें डीले नहीं होता। जुडिशियल प्रोसीडिंग जैसे देखा जाता है कि ये काफी सालों तक चलता है यह प्रोसीडिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है वो कुछ दिनों का ही प्रोसीजर है, या तो आप ये एक ही मीटिंग में खत्म कर सकते हो या फिर दो तीन मीटिंग, जैसा आपको सही लगे। अगर एक मीटिंग में रिजल्ट नहीं आया तो फिर आप आगे भी फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ये क्विक प्रोसेस है, ये जल्दी ही खत्म हो सकता है, ठीक है। इसका तीसरा बेनिफिट कोर्ट के भी यहाँ पे अगर हम देखें तो कोर्ट का कंजेशन कम होता है इससे। कोर्ट में जो भी पेंडिंग केसेस हैं, ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं और हर दिन बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जो कि कोर्ट के पास उतने जजेस भी नहीं है जो कि उन केसेस को हैंडल कर सके, और दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो यह एक तरीके से जो भी छोटे मोटे जो सिविल नेचर के ऑफेंसेस हो गए, जो सिविल नेचर के डिस्प्यूट हो गए, वो ADR प्रोसेस से रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस जो भी सिविल नेचर के प्रोसेस है उनको कोर्ट ना जाने के बजाय कोर्ट उनको रिफर करती है, मीडिएशन आर्बिट्रेशन के लिए रिफर करती है, ठीक है। तो इनसे क्या है कि कोर्ट का कंजेशन खत्म होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यह चीप, सिंपल, क्विक एंड एक्सेसिबल जस्टिस है, ठीक है। ये इसमें जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी जजमेंट आता है, वो पार्टीज पे वाइंडिंग होते हैं। अब आइए हम हर प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है इसमें मीडिएशन। मीडिएशन को कभी कभी कंसिलिएशन भी कहा जाता है, दोनों एक ही टर्म दोनों एक्सचेंज में यूज किया जाता है, मीडिएशन कंसिलिएशन। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या है कि एक या फिर दो न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती हैं, ठीक है, दो पार्टीज होती हैं और एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी। तो इनके भी काफी क्राइटेरिया है, जो थर्ड पार्टी होंगे उनके भी क्राइटेरिया है, वो या तो कोर्ट डिसाइड करेगी या तो पार्टीज डिसाइड करेगी, लेकिन प्राइमरी ये देखा जाता है कि प्राइमरी पार्टी डिसाइड करेगी। अगर पार्टी इसमें फेल हो जाती है डिसाइड करने के लिए, तो कोर्ट अपॉइंट करता है एक न्यूट्रल मीडिएटर, ठीक है। तो मीडिएटर इसमें जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, वो सिर्फ
जो पार्टीज हैं उनको गाइड करने के लिए होते हैं, ठीक है। उनके बीच में एक तरह से मीडिएटर का काम, जो थर्ड पार्टी है वो मीडिएटर का काम करती है, जैसे कि दोनों को आपस में कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक पार्टिकुलर, अगर देखा जाए तो कहीं भी अगर पार्टीज फंस रही हैं या फिर कोई भी आउटकम नहीं आ रहा है, तो उस जगह पर मीडिएटर उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके, फैक्ट्स को ऑब्जर्व करके आपको एक ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट रिजल्ट प्रोवाइड करती है, ऑल्टरनेट तरीका प्रोवाइड करती है कि आप कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हो। मीडिएशन प्रोसेस जो है वो काफ़ी फेजेस में चलते हैं, 6 स्टेजेस में चलते किए जाते हैं, जिसमें से ज्वाइंट सेशन और सबसे इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉकस, कॉकस जिसे हम प्राइवेट सेशन के नाम से जानते हैं। प्राइवेट सेशन में क्या होता है कि जो मीडिएटर होते हैं वो पार्टी को प्राइवेटली कन्विंस करते हैं, कन्विंस इन द सेंस उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उनके लिए बेस्ट क्या है और वर्स्ट क्या है। तो इस तरह से वो पार्टीज को कन्विंस करते हैं और उन्हें एक पार्टिकुलर आउटकम के लिए सजेस्ट करते हैं, उन्हें वो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और इस तरह से एक डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जा सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा जो प्रोसेस है वो है आर्बिट्रेशन। तो ये आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन एक एक्ट आया था, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग ये आर्बिट्रेशन, जो आप कभी भी अगर आप देखते होगे किसी भी, अगर आपने कभी मोबाइल रिपेयर करने के लिए आप शोरूम गए हो, सर्विस लॉन्च गए हो, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वो आपसे सारे कुछ डिटेल लेने के बाद एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं और उस डॉक्यूमेंट पे साइन करवाते हैं। तो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट जो क्लॉज होता है वो आर्बिट्रेशन क्लॉज कहा जाता है, कहीं भी हो सकता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट। तो उस क्लॉज में लिखा हुआ होता है कि किसी भी तरह का अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए पार्टीज आर्बिट्रेशन को रिफर करेगी। तो ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंडर वो क्लॉज उसमें डाला गया है। अब क्या है कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है और आप कोर्ट जाते हो तो कोर्ट आपको आर्बिट्रेशन के लिए रिफर करेगी। तो ये बेसिकली एक क्लॉज से भी होता है, आर्बिट्रेशन अगर आप किसी एग्रीमेंट में एक क्लॉज में भी डाल सकते हो, या फिर आर्बिट्रेशन का अलग से एग्रीमेंट भी बनाया जा सकता है। इसमें भी पार्टीज होती हैं, इसमें दो पार्टीज हो गई, ठीक है, जिनके बीच में डिस्प्यूट है, और तीसरा जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी वो आपकी डिस्प्यूट सुनेगी और आपको वो आउटकम देगी। मीडिएशन में क्या होता है कि आपका खुद का आउटकम होता है, बस मीडिएटर आपको एक सही दिशा दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है कि किस रास्ते में आपको जाना है, क्या है पॉसिबल आउटकम, क्या बेस्ट आउटकम है, क्या वर्स्ट आउटकम है, ये मीडिएशन में बताया जाता है। लेकिन आर्बिट्रेशन में क्या है, जो फैसला होता है वो आर्बिट्रेटर का होता है आपके डिस्प्यूट सुनने के बाद। तो आर्बिट्रेटर जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होते हैं वो ऑड नंबर में होते हैं, या तो सोलो आर्बिट्रेटर होता है, सिंगल आर्बिट्रेटर, या फिर ऑड नंबर में। ऑड नंबर में इसलिए होते हैं क्योंकि ताकि अगर कुछ ऐसा हो जाए, आप एक एग्जांपल से देखो, अगर इवन नंबर का आर्बिट्रेटर हो, सपोज दो आर्बिट्रेटर है, तो दो आर्बिट्रेटर क्या है कि मेजोरिटी डिसाइड नहीं हो पाएंगी उसमें, एक ने बोला हाँ दूसरे ने बोला ना, तो ड्रॉ का सिचुएशन आ गया। तो इसलिए ऑड नंबर आर्बिट्रेटर, अगर तीन आर्बिट्रेटर है तो एक ने बोला हाँ, दूसरे ने बोला ना, और तीसरे ने, या तो तीसरा बोलेगा हाँ या ना, तो फिर मेजोरिटी डिसीजन, अगर तीसरा ने हाँ बोला तो हाँ होगा, ना बोला तो ना होगा, तो वो मेजोरिटी डिसीजन होते हैं। तो ये सोलो आर्बिट्रेटर कोई भी दो आर्बिट्रेटर चुनेंगे, या फिर एक दो पार्टी चुन लेंगे आपस में। आर्बिट्रेशन का डिसीजन पार्टीज पे बाइंडिंग होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो भी डिसीजन है, अगर आपको उसमें फ्यूचर में लगे कि ये मुझे सही नहीं हुआ मेरे लिए, तो आप उसे आगे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, आर्बिट्रेशन जो आर्बिट्रेटर का डिसीजन है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड को फॉलो करता है, जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में एक प्रोसीजर बताया गया है जिस तरह से कैसे किसी भी सिविल डिस्प्यूट को आगे प्रोसीड किया जा सके। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन बेसिक प्रोसेस है, आप डे टू डे यूज में, लाइफ में यूज करते हो। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आप कभी मार्केट गए हो, कुछ आपको सामान पसंद आ गया, कुछ आपको लेना हो, लेकिन आपको उसमें नेगोशिएट करना होगा, बार्गेनिंग करना हो, तो एक तरह का प्रोसीजर है। उसी तरह से ये नेगोशिएशन भी एक तरह का प्रोसीजर है। तो आप नेगोशिएट करते हो, आप अपने प्राइस बताते हो, सामने वाला बंदा अपना प्राइस बताता है, उसके बाद आप
फिर एक पार्टिकुलर आउटकम पे आते हो, अगर आपको पसंद आया उनका जो भी, अगर सामने वाला आपकी बात पे एग्री करता है तो वो आगे प्रोसीड कर देगा, आपको सामान दे देगा। तो उसी तरह से नेगोशिएशन में होता है कि किसी भी तरह कोई भी प्रोसेस हो, अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो उसके लिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो ऑब्जर्वर होते हैं और दो नेगोशिएटर होते हैं। नेगोशिएटर पार्टी जी होती है, वो आपस में नेगोशिएट करती है। ये हम डे टू डे लाइफ में इसको रिलेट कर सकते हैं। ये जो तीन प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस नॉन एडजुडिकेटरी प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जुडिशरी का रोल नहीं होता, जुडिशरी इसमें कोई डिसीजन नहीं देती। हालांकि इसमें आगे आप चैलेंज कर सकते हो, कोर्ट्स में आप इनके डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो। अब आगे जानते हैं हम कि किस तरह के डिस्प्यूट्स एडीआर में रिफर किए जा सकते हैं। सबसे पहले ये हम देखते हैं कि जो सिविल नेचर के डिस्प्यूट हैं, जितने भी सिविल नेचर के डिस्प्यूट हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गए, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड डिस्प्यूट, या फिर बिजनेस, या फिर किसी तरह का टोर्ट, या फिर जितने भी तरह के सिविल केसेस हैं, और वो इन में आते हैं, जो कि आपस में ही नेगोशिएट करके या मीडिएट करके या आर्बिट्रेट करके आपस में डील करके उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, जो कि किसी अगर दो पार्टीज के बीच में ही होती है, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में आप देखते हो कि वो जो भी इफेक्ट होता है वो थर्ड पार्टी पर भी इफेक्ट होता है, इसलिए उस प्रोसेस को इससे दूर रखा गया है, क्रिमिनल ऑफेंसेस को इससे दूर रखा गया है, क्योंकि वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं और ये सारे ऑफेंसेस अगेंस्ट द पार्टीज होती है। सिविल ऑफेंसेस अगेंस्ट द पार्टीज होती है और क्रिमिनल ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें क्रिमिनल, कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी आते हैं, कुछ डिस्प्यूट ऐसे भी आते हैं जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, लेकिन जैसे आप चेक बाउंस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो भी क्रिमिनल ऑफेंस हो लेकिन वो सिविल नेचर का हो, उसे भी आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या मीडिएशन के लिए रिफर किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है और यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में यह बताया था कि चेक बाउंस जैसे केसेस जो भी सिविल नेचर के हो वो आर्बिट्रेशन या एडीआर प्रोसेस के लिए रिफर किए जा सकते हैं। जो वीडियो था हमारा आज का, इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप जुडिशरी ना जाके, मतलब जुडिशियल प्रोसीडिंग ना जाके, कम पैसे खर्च, ज्यादा पैसे खर्च किए बिना आप कैसे अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हो थ्रू आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन। तो ये सारे प्रोसेस काफी फास्ट होते हैं और काफी बेनिफिशियल भी होते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज में कहें तो चीप, सिंपल, क्विक एंड एक्सेसिबल जस्टिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।